आज 1 नवंबर 2022 है और हर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस के तौर पर राज्योत्सव मनाया जाता है और इस राज्योत्सव में आज एक बार बस्तर टॉकीज भी पहुंचा हुआ है। दरअसल बस्तर टॉकीज इसलिए पहुंचा हुआ है कि हम देखने के लिए कि आखिर राज्योत्सव का माहौल क्या है। सुना हूँ कि आदिवासियों का नृत्य महोत्सव भी है, तो उस पर भी हम आपको कई कहानियाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इस राज्योत्सव में जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे एक बार फिर बस्तर की बात करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पे कई स्टॉल लगाए गए हैं। हालांकि राज्योत्सव के लिए मैं आपको बताऊँ कि पूरे प्रदेश के कई अधिकारियों को यहाँ पे ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ आती है। ये भीड़ दशहरे की तरह तो नहीं होती, लेकिन दशहरे के आसपास ही भीड़ यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी। आपने अगर देखा होगा कि बस्तर में हमने जब बस्तर दशहरे की भीड़ दिखाई थी तो उसमें भी कमोबेश इससे बहुत ज़्यादा भीड़ रही, लेकिन ये भी आसपास की भीड़। अब यहाँ पे तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, उस तरफ में एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है और उस पंडाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुँचे हुए हैं, जहाँ उनके द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उन्हें संबोधित भी किया जा रहा है। लेकिन अलग अलग स्टॉल में हम बस्तर की बात जो करने की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर बस्तर के कुछ स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें बस्तर की कलाकृतियाँ हैं और बस्तर की संस्कृति है, उसको दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगा कि इसे भी बस्तर टॉकीज में दिखाना चाहिए कि बस्तर की संस्कृति को कैसे लोग पसंद करते हैं। ये देखिए, हाँ मैं बस्तर टॉकीज वाला हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं के हैं, रायपुर का। रायपुर के हैं, कबीर नगर के हैं। तो भैया ये बताओ कि ये पागा वगैरह पहने हुए तो पूरा बस्तर का आदिवासी है? हम तो आदिवासी जनजाति से हैं ना। अच्छा, आदिवासी जनजाति से हो लेकिन रायपुर से? आदिवासी बच्चे हैं। आदिवासी बच्चे हैं, तो आदिवासी बच्चे हैं, अपनी संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। हम लोग को अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। कैसा लग रहा है सारा अपना जो बस्तर का आदिवासियों का जो संस्कृति यहाँ पे लगा हुआ है, तो लोग उसको हाथों हाथ ले रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या नाम लिखते हैं आप? रूपेश नेताम। रूपेश नेताम भैया, आपका क्या नाम है? छोटू छेदैया। छोटू छेदैया जी, आप भी रायपुर से ही हैं? रायपुर से। क्या करते हैं छोटू जी? मैं प्लम्बरिंग काम, प्लम्बरिंग का काम करते हैं। ठीक है, और पढ़ना था, थोड़ा सा अधिकारी बनते, आदिवासी जब अधिकारी बनेगा तो मजा आ जाएगा। लोग को कुछ मिलता नहीं है, हमारा आरक्षण खा के बैठ गए हैं। अरे तो ये बड़ी बात कही आपने, आरक्षण खा के बैठ गए हैं। मैं सुना कि 32% से कम करके 20% कर दिए। 20% कर दिए। तो इस राज्योत्सव का कई आदिवासी तो विरोध भी कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं उसको, हम लोग भी करते हैं विरोध। तो लेकिन आप लोग तो यहाँ पे हैं। वाह, तो राज्योत्सव के नाते आए हैं। अच्छा, राज्योत्सव के नाते हम लोग, लेकिन उसका विरोध कर रहे, कड़ा विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारा आरक्षण है उसको कम कर दिया गया है। आरक्षण कम कर दिया गया, क्या अपना आरक्षण काट के दूसरे को दे दिए? तो ये बहुत गलत हुआ ना हमारे साथ। बिल्कुल गलत हुआ, और गलत के लिए तो आंदोलन करना ही होगा। आदिवासी हैं, नेताम हैं, और उन्हें इस बात की तकलीफ है कि उनका आरक्षण कम किया गया है, लेकिन अपनी संस्कृति से परिचित होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जिन्होंने स्टॉल लगाया उनसे पूछते हैं कि शहरी जो लोग हैं, दादा क्या नाम है आपका? कौशल रामरकम। एकदम चौंक क्यों गए आप? मैं तो बहुत प्यार से पूछ रहा था। कौशल दादा कहाँ से आए हो? मैं कोंडागांव जिला केशकाल से हूँ। केशकाल से आए हो? हाँ, केशकाल से। जगदलपुर से आए हूँ, बस्तर से आए हूँ। हाँ हाँ। दादा ये बताओ कि ये क्या क्या यहाँ पे दिखा रहे हो और लोग कितना रिस्पांस दे रहे हैं? ये सिंहाणी का ये माला है। अच्छा, है ना, किसी का हाथ पैर दर्द होता है, थकान होता है, तो इसको पहनने से 2-3 घंटे में आराम हो जाता है। अच्छा, ये जंगल में पाया जाता है, मतलब जड़ी बूटी वाला मामला, जड़ी बूटी वाला मामला है। अच्छा, तो होता है इससे दर्द कम? होता है। अच्छा, और ये क्या है? ये मोरपंख का बनाया आपने? इसमें अपन आदिवासी लोग ना, जो त्यौहार होता है, मड़ई मेला होता है, उसमें डांस वगैरह करते हैं, तो इसमें लड़की लड़कियां ना मस्त है करके धोती कुर्ता पहन के नाचते हैं। अच्छा, जैसे भी भाई ने पहना है वहाँ पे उस तरह से पहनते हैं। तो इसको आप बेच भी रहे हैं क्या? बेच भी रहे हैं। तो लोग अभी मैं देख रहा हूँ शहर के, देखो शहर की युवतियाँ भी हैं, वो भी कितनी खुशी से ये आदिवासी परंपरा से जुड़े जो आभूषण है उन्हें देख रही हैं। इन्हें पसंद आ रहा है कि बस्तर की जो कलाकृति, जो संस्कृति है, उससे भी ये सब परिचित हों। इस तरह के जो बैग आदिवासियों के द्वारा जो नए तरीके से बनाए जाते हैं बांस के द्वारा, उसको भी आजकल की जो युवतियाँ हैं, मॉडर्न युवतियाँ, वो फैशन के तौर पर यूज़ कर रही है। तो आप दिन भर से यहाँ स्टॉल में हैं, कितना लोग पसंद कर रहे हैं जो शहर के लोग आ रहे हैं वो लोग? तो यहाँ तो जितने भी आते हैं ना, सब थोड़ा छीक के देखते हैं, कई लोग ले भी जाते हैं। अच्छा, ये गमछा मेरे को असम का लग रहा है। और बाहर से आए हैं? बाहर से आए हैं। हाँ, ये भी आदिवासियों का है वहाँ का। यहाँ जबलपुर से आए, मध्य प्रदेश जबलपुर से। अच्छा, तो लोगों का रिस्पांस अच्छा है, मतलब लोग खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। ये सब चांदी का है क्या? डाल रखा है।
डालडा। ये डालडा क्या होता है? अपन तो डालडा खाने का सुने थे। नहीं, चांदी से नीचे। अच्छा, चांदी से नीचे, जरबन से आगे। जरबन से आगे, चांदी से नीचे। हाँ हाँ, ठीक है। उसका आभूषण ये आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। क्या क्या है इसमें? इसको क्या बोलते हैं? पोंची बोलते हैं। क्या? पोंची। पोंची। हाँ। और ये? ये सूता बोलते हैं। सूता। हाँ। अच्छा, ये तो करधन है मेरे ख्याल से। हाँ, करधन है। अच्छा, ये ऐठी है। ऐठी। और ये पट्टा। पट्टा। अच्छा, ये हाथ कड़ा। ये इसको कहाँ पहनते हैं? ये जैसा महिला मन रांडी होता है, ओ, तब भी पहनता है। रांडी मतलब विधवा। विधवा होता है। अच्छा, वो में पहनता है। और ये इसको दिखाई। ये जब आदिवासियों में महिलाएं जब विधवा हो जाती हैं तो इसको पहना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पट्टा। पट्टा। हाँ। अच्छा, पहले भी चूड़ी साथ पहन रहते हैं। जब रांडी होते चूड़ी फोड़ देते हैं, ये बचता है। अच्छा। हाँ हाँ, ओके। इसके ऊपर में चूड़ी का वो जो कांच का रहता है? नहीं, पहले कांच का चूड़ी पहनते हैं, तो ओकर साथ साथ में पहन रहता है पट्टा ला। हाँ, जब विधवा होता है नहीं तो चूड़ी ला पूरा लफोड़ देता है, ये पट्टा रहता है। तो ये कहाँ, बस्तर में भी चलता है? हाँ, बस्तर में चलता है। अच्छा, ये हाँ, मेरे लिए भी नई जानकारी थी। हाँ, खैर अच्छी बात है। ये किसने बनाया? ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। बैग है? हैंड बैग है। अच्छा, साइड बैग। हाँ हाँ, ये हम खुद बनाते हैं। अरे शानदार। हाँ, तो लड़कियां इसको खरीद रही हैं कि नहीं? हाँ, लड़का लड़की सब खरीद रहे हैं। नहीं, लड़का क्या करेगा? अच्छा, गिफ्ट कर सकता है लड़का। हाँ, ऐसे है हमारा आदिवासी लड़का मन अभी धोती वही पहनते हैं, धोती ला डालते हैं, कोट ला डालते हैं, शर्ट ला डालते हैं, यहाँ पैक कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और कहीं कहीं देव सामान भी रखते हैं। अच्छा, वो कहीं खराब नहीं होता है। तो जो शहरिया लोग आ रहे हैं, इन लोगों को पसंद आ रहा है ये सब चीज़? हाँ, पसंद आ रहा है। ये मेरे लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। मैं बस्तर से हूँ और बस्तर में से जो जुड़ा हुआ है मेरा पूरा चीज़, और वहाँ से लोग जब वहाँ की संस्कृति को पसंद कर रहे हैं। ये क्या है भैया? चाकू आपको बांधे हुई क्या है? ये जर्मन का है। तो इसको चक्कू की तरह क्यों बनाया? चक्कू की तरह ये मुर्गा में बांधते हुए क्या? नहीं, वैसे है, लेकिन अपना आदिवासियों का एक परंपरा है, इसे बना के ना। अच्छा, इसको बना के ऐसे फंसाया जाता है? फंसाया जाता है इस तरह से। इसमें फुंदरी माला सब कुछ लगाते हैं, जैसे मैं पहन चुका हूँ। ऐसे? अच्छा, ऐसे गड़ता नहीं है क्या? गड़ता नहीं है। अच्छा, ये आप देखें। धन्यवाद सर। कोर का है, गोंडी में बोलता है कोर। वैसे हम बोलते हैं मोर। मोर शहरिया लोग बोलते हैं मोर। मोर एला कोच करने से नहीं, मुर्गा आसन एकदम तेज होते हैं। हाँ, इसीलिए इसको पहनते हैं। हाँ। तो कुछ ये शहरी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो लोग बस्तर टॉकीज को देखने वाले लोग भी हैं, शहरी होते हैं। क्या नाम है आपका? हीना साहू। कहाँ से हैं आप? रायपुर से। कैसा लग रहा है ये जो पहनी है? अच्छा लग रहा है। ये तो बस्तर की परंपरा और संस्कृति है। आप लोग क्या आदिवासी नहीं है? नहीं, खास रायपुर के हैं। आदिवासी संस्कृति का ये जो गहना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत सिंपल सिक्के से बनाया गया। हाँ। तो बस्तर की संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि जो देखता है वो मनमोह जाता है उसका। और भी लोग हैं यहाँ पे जो अलग अलग देख रहे हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? सर बात करेंगे दो सेकंड। क्या नाम है आपका? दीप। दीप गुंडेगांवकर। दीप, कहाँ से हैं आप? सर मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से। तो ये सब कैसा लग रहा है आपको, आदिवासियों का जो आभूषण है जो देख रहे हैं? है अच्छा, पर मतलब जिस समाज में हम रहते हैं उसमें इसका यूज नहीं है। डेकोरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, डेकोरेशन के लिए। हाँ, इसको पहनने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेडीज तो कर ही सकती है। ये तो महिलाओं का ही आभूषण है, तो आप पहन के देखिए। कैसा लग रहा है आपको पहनने के बाद? तो अच्छा ही लगेगा। अरे वाह, तो बस्तर की संस्कृति है ये सारी चीजें। बस्तर की संस्कृति है, बस्तर से अब जब जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोग बस्तर को दूर से देखते हैं, उन लोगों में काफ़ी कौतूहल है बस्तर की। केवल अभी तो मैंने आभूषण दिखाया, वहाँ की कलाकृतियाँ हैं जो वहाँ के कलाकारों के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। यहाँ भी एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ हमारे बस्तर से ही लोग आए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊँ, जब पिछली दफ़े राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने बस्तर का जगदलपुर के पास दरभा के पास जो कॉफ़ी है उसका स्वाद लिया था और उन्होंने कहा था कि इसे एक ब्रांड बनाना चाहिए था। उसके बाद से जो है बस्तर की अलग अलग चीज़ों को भी यहाँ पर लाया गया है। यहाँ दीदी लोग आए, सब बस्तर से ही आए हैं, बस्तर से आए हमारी दीदी लोग। तो इन्होंने लोग जो है ये देखिए, काजू आया है बस्तर से, महुआ आया है, और ये महुए का लड्डू है। दीदी, ये महुए का लड्डू क्या फ़ायदा होता है इसको खाने से?
क्या शरीर के लिए लाभदायक है सर इसका। हाँ अच्छा ठीक है, आता हूँ आपसे अंदर बात करते हैं। तो ये हमारे बस्तर का इंस्टॉल लगा हुआ है और मेरे बस्तर का इंस्टॉल लगा हुआ है इसलिए मेरे लिए काफ़ी करीबी है मामला। और ये क्या चीज़ है दीदी? ओ, रागी कुकीज़ है। अच्छा कुकीज़ है। हाँ कुकीज़ अब विदेशों की आइटम नहीं रहेगा, हमारे बस्तर में भी कुकीज़ बनने लगा है, रागीज़ का है, रागी का, रागी तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। भैया आप इधर आ जाओ, आपसे बातचीत करते हैं थोड़ा सा। कैसा है जो शहर के लोग आ रहे हैं और वो जो तुम्बा आर्ट है जी, तुम्बा आर्ट, भैया आप तुम्बा आर्ट दिखा दें, नहीं तो मैं आपका नाम ले लूँगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो भैया आपका नाम क्या है पहले बताओ? देवनाथ नाग। देवनाथ दादा जी, ये जो तुम्बा आर्ट है तो यहाँ शहर वाले जब इसको देख रहे हैं तो कितना पसंद कर रहे हैं? बहुत बहुत ज़्यादा पसंद कर खरीद रहे हैं कि बस पसंद ही कर रहे हैं? मतलब बहुत पसंद कर रहे हैं यार, जब खरीदने के लिए हो रहे हैं, लेकिन इसका प्राइस ना बहुत महंगा है। अच्छा कितने का है वो? 1100-1200 रुपये का है। तो खरीद नहीं पा रहे? खरीद नहीं पा रहे। तो इतना महंगा है, खरीद नहीं पाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो क्या करें, अपन को भी जो ऊपर से आदेश है कि यही रेट में बेचो। कौन दिया है ऊपर से आदेश? ये जो अपना बिहान वाले है? बिहान वाले। ये बिहान क्या चीज है? ये महिला समूह। अच्छा अच्छा, तो उनको पूछे नहीं कि जब बिकेगा ही नहीं तो ये रेट रख के क्या करेंगे? वो बोले भी हाँ। तो बोल रहे हैं भले मत बिके, रहने दो, लेकिन यही रेट में बेचो। अच्छा ये बड़ा धर्म संकट है कि 1200 रुपए में लोग खरीद नहीं रहे हैं। तुम्बा आर्ट उन्हें पसंद जरूर आ रहा है जी। और आदेश ऊपर से बिहान कोई ग्रुप है जी, उनके द्वारा आदेश दे दिया गया है कि 1200 से नीचे बेचना नहीं जी। जी तो दिन भर में कितना तुम्बा आर्ट बेचा होगा आपने? आज तो अपन दो बेचे हैं, सिर्फ दो बेचे हैं बस। तो इसको बेचेंगे तो इसका पैसा आप लोग को मिलेगा कि बिहान को जाएगा? नहीं वो को बिहान को जाएगा। आप लोगों को क्या मिलेगा? अपन को जो क्या अपन जुड़े हुए हैं बिहान में। आप लोगों को मिलेगा क्या मतलब धन आखिरी में, पैसा कहाँ से मिलेगा? मिलता है हमको मंथली उन्थली मिलता है। कितना मिल जाता है दादा? जो 5-6 हज़ार रुपया मंथली मिल जाता है। तो अभी आप आए हो तो आपके आने जाने खाने पीने का पैसा कौन दे रहा है? पूरा पूरा कंपनी उठा रहा है। कंपनी उठा रही है? अच्छा कंपनी हो गई है बिहान। हाँ बिहान कंपनी टेकती है। लेकिन लोगों का रिस्पांस कैसा है, मतलब खरीद रहे हैं? बहुत चॉइस कर रहे हैं। दो पीस खरीदे? बहुत चॉइस कर रहे हैं। अच्छा और ये काजू वाजू खरीद रहे हैं? हाँ खरीद रहे हैं काजू, बस्तर काजू, फेमस काजू। तो ये महंगा है कि बाकी काजू से कुछ रेट इसका कम? नहीं नहीं ठीक है, रेट इसका कम है। कम है। अच्छा हाँ ठीक है। और उस तरफ में क्या है? उस तरफ में भी आइए दिखा देते हैं कि दूसरी ओर क्या कलाकृतियाँ हमारे बस्तर से इस रायपुर के मुख्यालय में आई हैं और लोग उसको किस तरह से पसंद करें। आप देखें कि इसे घर पे सजाने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट कहा जा सकता है। महिलाओं की भीड़ लगी हुई है, लड़कियां भी हैं और जो जो शहर के लोग हैं वो सारे लोग देख रहे हैं कि इसमें से कुछ लिया जाए। मैडम ये बस्तर की कलाकृति है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या रेट ठीक है, जम रहा है रेट? हाँ रेट भी ठीक ही है। रेट ठीक नहीं, अभी एक ने बताया कि जो तुम्बा आर्ट है वो हाँ। काफी महंगा है, लोग ले नहीं पा रहे हैं। जी जी महंगा तो है, महंगा तो है। हाँ है खूबसूरत लेकिन हाँ, महंगा महंगा है जी। ठीक है, आया कहाँ से आई हुआ? आया जगदलपुर से। जगदलपुर ले ली सी तू? कहाँ, कौन लगा से तुझे घर? घर सिड़मुड़। सिड़मुड़ चुहार, मैं बोल बस्तर ली ले से। तो मैं बोल बस्तर ले ही ले से एक आज में हेल्पी ने गोठिया हुआ है। नहीं आया मौके चिता ली के भी आए दे तुझे गाँव कितरो बिकलीस आया आजी? 2-3 हज़ार से बिकलीस। सहरिया मन पसंद कर सोता है? ठीक है, मान तो रेट खूबे आए बोल सो। फिर रेट खूबे होले कसन घिन हुआ? तो आम के भी तो रेट है लाचे, मेहनत बल तो खूब लाग जी आचे। इतरो मेहनत ने कसन बल होएगा ने? कम रेट ने देउक नहीं होए और नी बिकले फिर कसन करूगा? आया कसन बात बात ही खात ली ना बिकले घरे ने बो, फिर घरे ने बो, फिर होता बिक बो ने आज दूसरा थाने बो, फिर दूसरा थाने ने बो, दूसरा थाने ने बो। उम्मीद नहीं टूटेगी, हम लोग खुद बनाते हैं। हाँ कम मांग रहे कहाँ से देंगे सर, हमको फंड दे देंगे? नहीं नहीं मैं तो जान रहा हूँ जी कि इतनी मेहनत से बनाई जाती है इन कलाकृतियों को, खूबसूरत है और मेहनत ज़्यादा है इसलिए महंगी भी है। अब क्या करें, मेहनत का दाम कम तो लगाया नहीं जा सकता। हमारे बस्तर के कारीगर हैं, रायपुर में हैं और रायपुर के इस राज्योत्सव में पहुँचे हुए हैं और जो शहर के लोग हैं हमारे बस्तर की इस कलाकृति को पसंद तो बेहद कर रहे हैं, लेकिन कीमतों में थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता तो शायद शहरियों के घर तक ये कलाकृति पहुंच पाती, लेकिन क्या करें साहब मेहनत बहुत लगता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि रायपुर के इस राजधानी में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में जो राज्योत्सव चल रहा है उसमें भी बस्तर की क्या धूम है।
बस्तर के कलाकृति की क्या धूम है, लोग कितना पसंद करते हैं हमारे बस्तर की कलाकृति को, संस्कृति को, आने वाली पीढ़ी भी किस तरह से हाथों हाथ लेकर सारी संस्कृति, पीढ़ी और आभूषणों को हाथों हाथ ले रही है। थोड़ा सा रेट का अलग फर्क हो जाए तो बात कुछ और जम जाए, लेकिन मेहनत किसी की जाया ना जाए। अगर आपको लगे कि बस्तर की ये खूबसूरती बस्तर से निकल कर छत्तीसगढ़ के मुख्यालय तक पहुंची है और लोग इस खूबसूरती को हाथों हाथ ले रहे हैं, इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, बस्तर टॉकीज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।